दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को खतरनाक गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन 31वें ओवर में लड़ाई के बाद जसप्रीत बुमराह ने गुस्से में चटकाए 5 विकेट लगातार, पलट कर रख दिया हारा हुआ मुकाबला। कुलदीप यादव ने भी पूरा किया बदला। आखिरकार भारत की पूरी गेंदबाजी का वीडियो आपको दिखाएंगे तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन सफलतापूर्वक खेला जा चुका है और दोस्तों दूसरा दिन पूरा ही भारत के नाम हुआ। दरअसल दोस्तों इस मैच की जब शुरुआत हुई तब यशस्वी जायसवाल 179 रन पर खेल रहे थे और उनका साथ रविचंद्रन अश्विन निभा रहे थे, लेकिन यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन मात्र 20 रन बनाकर ही आउट हुए। लेकिन इस बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा किया और उन्होंने भारत के लिए 190 गेंदों में 19 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 209 रन बनाए। हालांकि उनको जेम्स एंडरसन ने जॉनी बेस्ट्रो के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे जसप्रीत बुमराह, जहां कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह के बीच साझेदारी तो आगे बढ़ी नहीं क्योंकि 8 और 6 रन ये बना पाए। लेकिन यहां पर भारतीय टीम 396 रन के कुल स्कोर पर ही अपने 10 विकेट गंवा चुकी थी। अब दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों ने तो अपना कमाल का प्रदर्शन दिखा दिया, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की इस मैदान पर इंग्लैंड की टीम को धूल चटाने की। अब जब 396 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम उतरी तो यहां पर जैक क्रॉली और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों को बस यही उम्मीद लग रही थी कि किसी भी तरह से बड़ा स्कोर बना दे कम से कम ओवर में, लेकिन यहां पर बेन डकेट को शायद इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कुलदीप यादव अगर उनके पीछे पड़े हैं तो वो यहां उनका विकेट चटकाकर ही मानेंगे। यहां पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट को कुलदीप यादव ने रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाया और 21 रन की पारी बेन डकेट की यहीं समाप्त हुई। तो वहीं उनके आउट हो जाने के बाद उतरे ओली पॉप, जहां जैक क्रॉली और ओली पॉप के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जैक क्रॉली भी अपना विकेट गंवा बैठे, जो कि 76 रन बनाकर आउट हुए और अक्षर पटेल ने उनका विकेट गिराया। तो वहीं दोस्तों ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद फिर ओली पॉप और जो रूट से हर किसी को उम्मीदें लग रही थी, लेकिन यहां पर जो रूट मात्र 5 रन बनाकर ही जसप्रीत बुमराह का शिकार बने और शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं ओली पॉप भी ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए और 23 रन इंग्लैंड के लिए उन्होंने बनाए। यहां पर 4 बड़े झटके इंग्लैंड टीम के 136 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। अब जॉनी बेस्ट्रो और बेन स्टॉक्स की बारी थी इस मैदान पर टिककर अच्छी बल्लेबाजी करने की, लेकिन दोस्तों शायद जॉनी बेस्ट्रो जसप्रीत बुमराह को ज्यादा हल्के में ले गए। इस बीच जॉनी बेस्ट्रो को 25 रन पर चायकाल के बाद जसप्रीत बुमराह ने चलता किया, जो कि इंग्लैंड की टीम को 5वां बड़ा झटका था। और दोस्तों यह विकेट गिर जाने के बाद तो मानो इंग्लैंड की पूरी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई। इस बीच इंग्लैंड के लिए बेन फॉक्स मात्र 6 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए और यहां इंग्लैंड ने अपने 6 बड़े विकेट मात्र 172 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए। अब बारी थी बेन स्टॉक्स और रिहान अहमद की और यहां पर शानदार गेंदबाजी करवाते हुए जसप्रीत बुमराह ने दोनों को ही चलता किया। जी हां, आप सभी यहां पर देख भी सकते हो तस्वीरों में कि जसप्रीत बुमराह की शानदार लैब से गेंदबाजी देखने के लिए मिली। इस बीच उन्होंने रिहान अहमद को 6 रन पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं रिहान अहमद के आउट हो जाने के बाद जब टॉम हार्टली और बेन स्टॉक्स तेजी से रन बनाने लग गए तभी बेन स्टॉक्स को जसप्रीत बुमराह ने शानदार बोल्ड आउट करके 47 रन पर ही चलता किया, जिसके चलते यहां इंग्लैंड की टीम के 8 बड़े विकेट 229 रन के कुल स्कोर पर ही गिर गए। अब दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह को चाहिए था कि यहां पर टॉम हार्टली और जेम्स एंडरसन को भी आउट कर दें वो, और यहां पर उन्होंने टॉम हार्टली को 21 रन पर चलता किया, जिसके चलते यह मुकाबला भारत के पाले में चला गया। और फिर क्या था, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल हासिल किया, वो भी मात्र 13.2 ओवर के भीतर। तो वहीं 3 विकेट कुलदीप यादव के भी नाम रहे। बाकी आप सभी पूरी गेंदबाजी भारत की देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है भारत की शानदार गेंदबाजी के बारे में? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।